हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल में, मतलब जनरल स्टोर में, जहाँ पे मैं आपके साथ हूँ सायरा। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलो, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं आपको मेन टॉपिक पे ले चलती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं एयर हॉस्टेस कैसे बनते हैं, उनका क्या काम होता है, सैलरी कितनी होती है, स्किल क्या क्या ज़रूरी है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कितने साल होता है वो कोर्स, कितना खर्च आएगा और नौकरी कहाँ मिलेगी, यह सब कुछ। तो एयर हॉस्टेस जो होती है उन्हें हर जिम्मेदारी का पूरी तरह से ख्याल रखना होता है, उन्हें हर जिम्मेदारी अपनी समझकर उसे पूरा करना पड़ेगा। साथ ही में एयर हॉस्टेस जो होती है उन्हें यात्रियों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। तो आखिर में एयर हॉस्टेस होती कौन है, तो चलो देखते हैं एयर हॉस्टेस कौन होती है। तो एयर हॉस्टेस उन्हें कहा जाता है जो आपकी हर तरह की मदद करती है जब आप हवाई जहाज़ से जा रहे होते हैं। साथ ही में वह महिला कर्मचारी होती है जो आपके स्वागत भी करती है, और उन्हें ही हम एयर हॉस्टेस कहकर पुकारते हैं। तो एयर हॉस्टेस आपकी हर तरह की मदद करती है, साथ ही में आपको जो चाहिए या ना चाहिए वो सब का भी वह बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी अगर आपको एयर हॉस्टेस बनना है तो अगर आप एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12th पास होना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है, आपको 12th पास करनी ही होगी। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश एवं एक अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर वो आप अपने घर बैठकर मोबाइल से भी सीख सकते हैं, इसके लिए स्पेशल ट्यूशन ही हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एयर हॉस्टेस बनने के लिए समझने एवं सुनने की क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यह भी स्किल आप में होना चाहिए। फिर उसी के साथ आती है शारीरिक योग्यता। एयर हॉस्टेस बनने के लिए आपका सुंदर दिखना काफ़ी मायने रखता है एवं साथ साथ आपकी लंबाई भी मायने रखी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लंबाई रखी है। फिर आँखों की रोशनी भी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आप एयर हॉस्टेस बन के करेंगी क्या। तो साथ ही आप में कई गुण, धैर्य एवं बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप यहाँ पे खुद से पढ़ सकती है। और हाँ, किसी भी परिस्थिति में आपको अपना धैर्य खोना नहीं है, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर कार्य क्या क्या करना पड़ता है एक एयर हॉस्टेस को, तो उस पर बहुत सारी जवाबदारियाँ होती है। साथ ही इस जॉब से हवाई जहाज़ में देश विदेश की यात्रा करने को भी मिलता है। जब भी कोई यात्री किसी प्लेन पर या हवाई जहाज़ पर चढ़ते हैं तो उनका पूरे जोश से स्वागत करना एयर हॉस्टेस का काम होता है। साथ ही में हवाई जहाज़ में यात्रियों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े इसकी पूरी खबरदारी एयर हॉस्टेस को लेनी पड़ती है। यात्रियों का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो सभी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है, चाय पानी भोजन आदि का भी उनको सब ख्याल रखना पड़ता है। तो कोर्स क्या करें, कोर्स जो होता है एयर हॉस्टेस का, उसका कोर्स मतलब ट्रेनिंग ली जाती है आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन आप वो कर सकते हैं। तो एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग 12th या ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने शहर के नज़दीक एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी निकाल कर वहाँ पर प्रवेश आसानी से ले सकते हैं। कोई भी हो, अगर अच्छा हो, आपको फ़ीस अच्छी लगती हो तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो फीस कितनी होगी उस कोर्स की, तो उस एयर हॉस्टेस के कोर्स की फ़ीस 60,000 to 2 lakh तक हो सकती है, और यह आपके ऊपर भी निर्भर करते हैं कि आप किस संस्था में प्रवेश ले रहे हैं। जैसे वहाँ की ट्रेनिंग होगी उसके दौरान आपकी फ़ीस, उस कोर्स की फ़ीस क्या होगी वो वह डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको जहाँ अच्छा लगे तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, पर फीस हर तरफ अलग अलग हो सकती है। तो करियर से जुड़ी जानकारी और क्या क्या है, तो एयर हॉस्टेस का करियर काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। एयर हॉस्टेस बनने के पहले आपको कई सारे इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है और साथ ही फिजिकल अवेयरनेस पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। एयर हॉस्टेस का कोर्स करने के बाद एयरलाइन में ही कार्य मिलता है। शुरुआत में यदि आप भारत में हो तो आप भारतीय एयरलाइट कंपनियों में काम कर सकते हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, जेट हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, किंगफिशर हो गया, सहारा इंडिया हो गया, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है जो आपको स्टार्टअप
दे सकती है, आप वहाँ से अपना एयर होस्टेस का काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप विदेशी एयरलाइन जैसे सिंगापुर एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन आदि कंपनियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। वह आप पे डिपेंड है आपने कहाँ से कोर्स कंप्लीट किया है, कितनी आप एबिलिटी है, आपने इंटरव्यू कैसा दिया था, इस सब पे वो डिपेंड करता है। तो सैलरी कितनी मिलेगी, आखिरी सवाल है सैलरी। तो एयर होस्टेस वाले लोगों को काफ़ी अच्छी सैलरी का पैकेज मिलता है। अगर आप घरेलू विमानों में सर्विस करते हो तो आपको 2.5 लाख से 4 लाख तक पर ईयर मिल सकता है पैकेज, एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान आपको 5 लाख एवं उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो चलो गाइज़, यहीं पे हम करते हैं अपने वीडियो का एंड। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक सब्सक्राइब कर देना। या प्लीज़ अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। और सब्सक्राइब का बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, आप नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलो बाय गाइज़।